नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल tutelf.com पर। आज हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछली वीडियोस में हम पोजीशन के बारे में पढ़ चुके हैं और पोजीशन अगर चेंज होती है तो उसकी वजह से जो रेस्ट ऑफ मोशन होता है वो पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सोचिए कि एक बच्चा है जिसे अपने घर पे जाना है और वहां तक जाने के 5 रास्ते हैं, A B C D E। इनमें सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? C। हम सबको दिख रहा है। तो जो सबसे छोटा रास्ता होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या होता है कि जो शॉर्टेस्ट पाथ है या फिर जो पाथ हमारे इनिशियल और फाइनल पोजीशन को डायरेक्टली कनेक्ट करे। तो यहाँ पे जो हमारा इनिशियल पोजीशन है वो तो है ये बच्चा, मैं जरा पेन ले लेती हूँ। हमारा इनिशियल पोजीशन है ये बच्चा और मेरा फाइनल पोजीशन है ये घर। तो जो ये रास्ता है ये इनिशियल और फाइनल को कनेक्ट कर रहा है, तो ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे जाने के 5 डिफरेंट तरीके हैं, A B C D E। हर एक की जो लेंथ है, जो मेजरमेंट है, वो हमें डिस्टेंस देगा। तो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाने की जो डिस्टेंस होती है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि आपके घर से मार्केट जाना है, तो वहां पे जाने के आप बोलेंगे 3 रास्ते हैं, एक सीधा चले जाओ, एक पार्क से निकल के चले जाओ, एक बाहर से घूम के चले जाओ। तो ये तीनों जो रास्ते हैं वो आपको देंगे डिस्टेंस। और जो डायरेक्ट आपके घर से सबसे छोटा रास्ता मार्केट तक जाने का होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस इज द कंप्लीट पाथ विच इज ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच इज मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन टू द फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आई होप कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बेसिक कंसेप्ट अभी समझ आ गया होगा। इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो जैसे एक इंसान है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज होता है हमारा जैसे घड़ी की सुई चलती है इस डायरेक्शन में, सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, तो हमें उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बतानी है। अब A से B में जो डिस्टेंस है वो 3 है। अब मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलती हूँ कि वो कभी ये यूनिट्स ना भूले। तो यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यूनिट भूलते हैं तो उसके हाफ मार्क कट जाता है, इंस्टेंटली 50% ऑफ। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो यूनिट है वो आप लिखें। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की यूनिट सेम होती है। क्यों? दोनों में हम लेंथ मेजर कर रहे हैं। जो लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट है वो है मीटर्स, करेक्ट? तो हमारा यहाँ पे आप देखते हैं, जरा मैं एक बार मीटर लिख लूँ ताकि जब मैं आपको समझाऊंगी तो आपको एटलीस्ट यूनिट्स लिखना हम नहीं भूलेंगे। फ्रॉम A to B 3 है, A to C, तो A to C के लिए हम AB+BC करेंगे। यहाँ का 3 और यहाँ का 5 मिला के बन जाएगा मेरा 8। अब A से D हो गया मेरा AB+BC+CD, तो 3 + 5 8 + 3 11, तो ये हो गया हमारा 11 मीटर। राइटिंग पे मत जाइएगा, कंसेप्ट पे जाइएगा। अब A से मेरा क्लॉकवाइज पूरा घूम के वापस से बच्चा जहां चला था वहीं पे वापस आ गया, तो 3 + 5 8 + 3 11 + 5 16, तो ये हो गया मेरा 16 मीटर। अब आ गए हम डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमें पता है, हमें इनिशियल पोजीशन देखनी होती है और इनिशियल से हमारी फाइनल पोजीशन देखनी होती है। तो यहाँ A से B में इनिशियल और फाइनल सेम है, तो ये मेरी हो गई 3। A से C में सेम है का मतलब है जो हमारी डिस्टेंस थी वही हमारी डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब हमारा A से C का देखेंगे तो इनिशियल मेरा A है और मेरा फाइनल जो है वो C है। तो मैं क्या करूंगी, जरा मैं एक बार पेन बदल लेती हूँ ताकि आपको समझ आए। तो मैं इसको और C को कनेक्ट करूंगी। देखिए मेरी लाइन सीधी नहीं लग रही है, पर आपको सीधी लाइन से कनेक्ट करना होता है। अब क्योंकि एक रेक्टेंगल है या यहाँ पे राइट एंगल्ड होगा। अब हम सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC² = AB² + BC²। सो मेरा AC² क्या निकला? AC मेरा निकला √3 का स्क्वायर 9 + 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ेंगे 34, 34 का √। अब 34 का जो √होता है वो आता है कुछ 5.81 करके कुछ आएगा। फाइन, ये हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, बाकी अभी पता लग जाएगा। तो यहाँ पे आएगा हमारा √34 मीटर। आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि अंदर इसके फैक्टर्स बनेंगे 2 और 17, तो इसका अब कुछ बाहर कॉमन फैक्टर भी नहीं आएगा। तो ये होगा √34 मीटर्स। अब A से D में मेरा इनिशियल पोजिशन है A और मेरा फाइनल पोजिशन है D, तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई? ये 5 मीटर्स। सो इसका आंसर हुआ 5 मीटर्स। अब A to A, अब ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर इंसान घूम के वापस वहीं आ रहा है तो हमारी इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो वो हो गई। सिंस इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ 0 मीटर, मतलब कि 0। एक बार हमने आगे आंसर्स चेक कर लेते हैं। आई होप आपके आंसर्स सही हो। अब मुझे एक बात बताइए कि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी डिस्टेंस से क्या ज्यादा होगी, कम होगी या बराबर होगी? क्या हमारी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा हो सकती है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट खुद में ही शॉर्टेस्ट है तो वो कभी भी मोर तो हो ही नहीं सकती. सो नहीं. क्या डिस्प्लेसमेंट कम हो सकती है? क्या मेरी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम हो सकती है? हाँ हो सकती है. यहाँ भी कम है, यहाँ भी कम है और यहाँ भी कम है. जी हाँ बिल्कुल हो सकती है. क्या मेरी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर हो सकती है? हो सकती है. ये देखिए यहाँ पे है तो ये भी सही है. सो अगर आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन इसका काफी अच्छा बन के आता है और अभी तो आपको पता है हमारे करिकुलम में एमसीक्यूज आते हैं 1 मार्कर्स. सो जो डिस्टेंस है इट कैन नेवर बी मोर देन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड. ध्यान रखिएगा. हमारा एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल हमारा यहाँ पर होता है. हमें ए टू बी डिस्टेंस बतानी है. अब यहाँ पे पीपीटी में दिख नहीं रहा है पर ये हमारा पॉइंट ए है. सो ए से बी हमारी जो डिस्टेंस है वो हो गई 4 मीटर्स और हमारी डिस्प्लेसमेंट भी यही हो गई जैसे हमने पहले किया था. बी से सी मेरी हो गई 3 मीटर्स और बी से सी में इनिशियल और फाइनल वही है तो ये भी डिस्प्लेसमेंट भी हमारी हो गई सेम. अब बात आती है ए टू सी में. ए टू सी क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रहा है इससे हमें पता लग रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा है हमारा बच्चा. तो हमारा ए से सी आएगा 4 + 3 विच इज 7 मीटर्स और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे? हमारी इनिशियल पोजीशन है ए और ये है सी तो हमने इसको वापस एक डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर ही दिया जैसे आपको दिख रहा होगा. पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. AC² = AB² + BC² तो उससे हमें मिलेगा √16 + 9 = 25 √25 विच इज 5 मीटर्स. तो हम लिख ही लेते हैं. यही आंसर आए हैं हमारे बिल्कुल सही. अगला एक सर्कल और देख लेते हैं. तो सर्कल में हमारा जो रेडियस है वो 8 मीटर्स है. हमें डिस्टेंस बतानी है. अब देखिए पहले हमने इसकी डिस्टेंस करते हैं तो क्योंकि हम ये बाउंड्री पे जा रहा है हमारा बच्चा और ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी ले लो क्योंकि उसने मेंशन किया नहीं है. अब 1/4 ऑफ द सर्कल तो 1/4 ऑफ द सर्कल हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो यहाँ पे ए पे हमारा एंटी क्लॉकवाइज में 1/4 हो जाएगा. अब हमें पता है हमारा पेरीमीटर कितना होता है एक सर्कल का. पेरीमीटर होता है 2π. पाई की वैल्यू हमें पता ही है कितनी होती है 3.14 2πr. फाइन. तो 1/4 में हम क्या करेंगे? हम इसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे. रेडियस हमारी 8 है. 8 × 16 π. तो हम इसमें इनिशियली हमारा जो पूरा पेरीमीटर है फुल सर्कल का वो आएगा हमारा 16 पेरीमीटर. ये तो हो गया हमारा 16 पाई हमारा हो गया पेरीमीटर. अब अगर वो 1/4 जा रहा है तो हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे. ये आ जाएगा 4 पाई मीटर. हाफ के लिए हाफ से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 8 पाई मीटर. 3/4 के लिए इसे 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 12 पाई मीटर. वो सही है. फुल सर्कल हमने निकाली लिया है वो है 16 पाई मीटर. तो इससे तो हो गया हमारा डिस्टेंस. अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट जब वो यहाँ से यहाँ पे हमने इनिशियल से फाइनल कनेक्ट किया, ये 8 है, जो ये वाली रेडियस होगी वो भी 8 होगी. अब हमें पता है कि ये वाला जो होता है हमारा ये है 90 डिग्री. फाइन. तो ये क्या हुआ? √8 का स्क्वायर 64 + 8 का स्क्वायर 64 √128 मीटर्स. सॉल्व कर लेंगे. ऐसे ये 1/4. अब अगर हमारा ये 3/4 में आता है हम इसे सी लेते हैं. 3/4 में यहाँ आएगा. सेम क्वेश्चन बना. ये 8 फाइनल ये है इनिशियल ए है कनेक्ट किया. इसमें भी आंसर आएगा हमारा √128. अब हम देखते हैं हाफ सर्कल. हाफ सर्कल मेरा होता है यहाँ पे पूरा. इसको मैंने कनेक्ट किया. ये 8 मीटर्स है, ये भी हमारा 8 मीटर्स होगा. टोटल डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट यहाँ से ओ लेते हैं. इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन हो गया हमारा 16 मीटर्स. ठीक है. 3/4 सॉरी यहाँ पे हमने ये वाला नहीं 3/4 निकाला था. अब फुल सर्कल देखते हैं. फुल सर्कल में ओ से वापस ओ पे आ रहा है तो इसका मतलब जो मेरी इनिशियल पोजीशन थी वही मेरी फाइनल पोजीशन भी है. तो इस केस में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? 0 मीटर. शाबाश. तो अब तक हम ये पूरा कंसेप्ट समझ चुके हैं. डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कर चुके हैं, बेसिकली समझ चुके हैं, 3 टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं. तो हम इसका एक करते हैं क्विक रिविजन. सो मोशन 2 टाइप का हो गया. डिस्टेंस और मोशन से हम 2 चीज रेट ऑफ मोशन डिफाइन करता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. रेट भी नहीं बोलेंगे मतलब मोशन हो रहा है तो एक डिस्टेंस होगा एक डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस होता है कंप्लीट पाथ ट्रैवल्ड. ये हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है पर ये कभी कम नहीं होता. इसकी यूनिट और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट दोनों की सेम होती है विच इज मीटर डिनोटेड बाय द सिंबल m. डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है. ये कभी भी हमारा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा नहीं होता है. अब यहाँ देखिए यहाँ हमारी एक बी है. ये बी इस पॉइंट से ट्रैवल कर रही है इस पॉइंट से. तो यहाँ से या तो ये यहाँ पे जा रही है या यहाँ से आ रही है. तो ये जो डॉटेड लाइन है ये दिखा रहा है उसने रास्ता तय किया, वो जैसे उड़ के आई। तो ये तो हो गया हमारा डिस्टेंस। अब मैं इस पॉइंट को जो या तो मेरा इनिशियल है या फाइनल को बी से कनेक्ट कर देंगे जो कि मेरी इनिशियल या फाइनल पोजीशन है। तो ये जो पिंक लाइन है ये हमें देगी डिस्प्लेसमेंट। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। अगर आपको ये कंसेप्ट इंग्लिश में समझना है तो प्लीज डू चेकआउट आवर प्लेलिस्ट, वहां पे इंग्लिश में सेम वीडियो सेम कंसेप्ट इंग्लिश में सिखाया हुआ है, यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। और डू विजिट आवर साइट tutelf.com। इस साइट पे बहुत सारे रिवीजन नोट्स, आपको पूरा चैप्टर के इनिशियल इंडिविजुअल टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन मिलेंगे। और अगर आप साइट पे जाके लॉगिन करते हैं तो आपको फॉर्म्स भी मिलेंगे जिसमें आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और आपका इंस्टेंट ग्राफ बन के आएगा जिससे आप अपने को खुद इंस्टेंटली इवेलुएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट वीक अहेड। बाय बाय।